चिमूर तालुका शिवसेना की ओर से राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी का जोरदार निषेध व्यक्त किया गया। इस मौके पर शिवसेना के पदाधिकारी शिवसैनिक मौजूद थे। तो चलिए नजर डालते हैं इस खबर पर। महाराष्ट्र के दैवत के रूप में पूजे जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के संबंध में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा किए गए वक्तव्य का हर तरफ निषेध व्यक्त किया जा रहा है। वहीं चिमूर तालुका में भी शिवसेना चिमूर तालुका की ओर से 22 नवंबर को हुतात्मा स्मारक के सामने निषेध आंदोलन किया गया और इस मौके पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। महाराष्ट्र के स्वाभिमान का अपमान करने वाले राज्यपाल को तुरंत पद से हटाएं। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस संबंध में जनता से माफी मांगे, ऐसा भी शिवसेना की ओर से उल्लेख किया गया। इस मौके पर शिवसेना तालुका प्रमुख श्री हरि सातपुते, शिवसेना जिला प्रमुख अमृत नखाते, चिमूर विधानसभा समन्वयक बाबूराव ठोंबरे की उपस्थिति में यह आंदोलन किया गया। वहीं अन्य आंदोलनकारियों में पूर्व शिवसेना तालुका प्रमुख सारंग दाबेकर, सोंदरी ग्राम पंचायत सरपंच तथा उप तालुका प्रमुख केवलराम पारधी, पूर्व जिला प्रमुख अनिल डगवार, तालुका संगठक रोशन जुमड़े, तालुका समन्वयक देवीदास गिरडे, उप तालुका प्रमुख रामबाबू धारने, निवासी उप तालुका प्रमुख सुधाकर न्यूटे, पूर्व उप तालुका प्रमुख मनोज तिजारी, विभाग प्रमुख राजेंद्र जाधव, चिमूर शहर प्रमुख सचिन खाड़े, युवा सेना उपजिला प्रमुख राज बुचे, प्रसिद्धि प्रमुख सुनील हिंगनकर, ओम थुटे, गोपाल भजबुजे आदि उपस्थित थे। सी टीवी के हमारे विशेष प्रतिनिधि पाल सातपुते की रिपोर्ट।